मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम पचमाता पहुंचे। रीवा के पचमाता आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा के सजीव प्रसारण पर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 500 सालों में हम इस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज यह ऐतिहासिक पल हम सबके सामने है, जिसके हम साक्षी हैं। इस उत्सव पर यहाँ भव्य आरती समारोह आयोजित हुआ। वहीं बड़ी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण दिखाया गया। भंडारे के आयोजन में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। हमारे आराध्य भगवान राम के जन्म स्थान पर ही उनका मंदिर ना होना सब कुछ बन जाता, लेकिन यदि भगवान का राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनता तो हम कभी नहीं कह सकते थे कि हमने कुछ काम किया है। पता नहीं कितने लोगों ने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। आज कोठारी बंधु को याद हम नहीं करेंगे तो हमें उस संघर्ष, उस त्याग, उस बलिदान से हम अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे। पता नहीं कितने लोगों ने लगातार सौगंध राम की खाते हैं। मंदिर जब मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ तो फिर नारा लगा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज भव्य मंदिर और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब देश के चारों कोनों से आवाज आ रही है सौगंध राम की खाते हैं, भारत भव्य बनाएंगे। क्या बात। रीवा से लेखराज मोटवानी की रिपोर्ट।